है सेवन सी। सेवन सीज यहाँ पे बैक स्टैबिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फ्रेगोस को स्पॉट किया जाएगा रोना के द्वारा एंड इमीडिएटली नॉकआउट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिनिश के लिए जाना चाहते थे लेकिन सारंग का आता है कवर फायर एंड इसी के साथ साथ हो जाते हैं स्काईलाइज गेमिंग कंप्लीटली एलिमिनेट। एंड यू नो अगर आप क्लच गॉड की बात करेंगे यूएमपी उनके पास अवेलेबल है लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, यूएमपी है, एके है, M4 है, जो भी वेपन इनके हाथ में आप देंगे वो तबाही मचाने वाले हैं। जोनाथन कमिंग इन विद एन इनसेन लेवल ऑफ स्प्रे, एक के बाद एक यहां पे टैप टैप सेमी ऑटोमेटिक मोड में यहाँ पे फायर किया जाता है, फिनिश किया जाएगा कलेक्ट। एंड आईएनडी सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ बने हुए हैं, हु इज इट, इट्स गोइंग टू बी आईएनडी स्नैक्स। क्या यहाँ पर एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं स्नैक्स या फिर उनको भी प्रेशराइज करके एलिमिनेट किया जाता है। 30 मीटर जोन में ट्रैवल करना पड़ेगा, डेस्ट्रो को कर चुके हैं स्पॉट, यहाँ पे स्प्रे डाउन करने वाले हैं, स्प्रे करेंगे लेकिन नॉकआउट से एक एचपी एक बुलेट दूर थे डेस्ट्रो। स्नैक्स पोजीशन अपनी दे चुके हैं, ओआर के तीन खिलाड़ी नजरें अभी रखेंगे इस पोजीशन के ऊपर। आई थिंक 7 फिनिशेस आप देख रहे हैं यहां पर गॉडलाइक के, 4 इनके खिलाड़ी हो गए, 11 खिलाड़ी अभी भी बचे हैं, 11 में से कितने ये लेके जाने वाले हैं वो मैं देखना चाहूंगा। मैच काश यहां पर डाउन, बचे 14, बचे 10, 10 में से कितना फिनिश पॉइंट गॉडलाइक के, बस उसके मैच कहीं ना कहीं गॉडलाइक के इर्द गिर्द ही मुझे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जोनाथन अगर यहां से ग्रेनेड करते हैं तो 7 सीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। स्पॉट नहीं किया है अभी तक भी, उल्टा स्नैक्स ने यहां पर डेस्ट्रो को स्पॉट किया हुआ था ऑलरेडी और ये ग्रेनेड शायद एक बार फिर से डेस्ट्रो को नॉक कर सकता है, बट ये छोटा रह गया, काफी आगे करना चाहते थे, आगे कर सकते थे बट नहीं किया गया। अब जो ये दूसरा ग्रेनेड जा रहा है क्या ये डेस्ट्रो को नॉक कर पाएगा? शायद नहीं, थोड़ा सा डैमेज देगा। दोबारा एक और थ्रोबल जा रहा है, इस बार मॉली जाएगी और मॉली का कनेक्शन भी यहां पर मेरे ख्याल से पार्शली बनेगा, बट नहीं, वो मॉली का कनेक्शन बन जाता है। प्रोबेबल 1v2 वैक्सी के साथ 1v1 की फाइट स्नैक्स के साथ, माइक्रो उसी के साथ आगे जाना चाह रहे हैं हिट पार के चलते। यहां पर पहले जो कनेक्शंस आने थे वैक्सी को देना चाह रहे थे वो अपने ऊपर ले लिया, आदित्य को ऑफगार्ड एंगल पिक करना चाह रहे थे, बट 1v2 के चलते टीम आईडी से स्नैक्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो प्लेयर इन्होंने नॉक करे थे उसका फायदा एक बार फिर से टीम गॉडलाइक उठा सकती है। वेल गॉडलाइक की अगर आप बात करेंगे, जैसे कि आप कह रहे थे मायावी, 4 कोने में 4 खिलाड़ी है, हर एक पोजीशन को फोर्टिफाई किया जा रहा है, जी गॉड यहां पे नजर रख रहे हैं एक टीम के ऊपर, तो यहां पे क्लच गॉड एक कंप्लीट टीम को वाइप आउट करते हैं की मदद से। एनिग्मा गेटिंग वाइप्ड आउट हियर, 7 सी सबसे बड़ा खतरा जो मैं कह रहा था, यहां पे सारंग को किया जाता है स्पॉट। जोनाथन काफी देर से यहां पे तंग कर रहे हैं 7 सी के खिलाड़ी को, मौका नहीं दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। एंड अलादीन कोशिश करे कि किसी भी हाल में प्रिंस को रिवाइव दिया जाए लेकिन प्रिंस को रिवाइव देने के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा बिकॉज दो तरफ से नजर रख रहे हैं यहां पे, एक साइड में है जोनाथन, दूसरे साइड में है जी गॉड, ऊपर बैठे हुए क्लच गॉड एंड नियो, 10 प्लेयर्स, 3 टीम्स, मौका है यहाँ पे जोनाथन के पास लेकिन एक गलती करते हैं पीक करने का, पीछे से डेस्ट्रो हाई बोलने वाले हैं जोनाथन को, क्लच गॉड का जवाबी हमला प्रिंस के ऊपर, अलादीन भी नॉकआउट, आखिरी खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद, वो आर यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं मौके का, सारंग को प्रेशराइज किया जा रहा है, लेट्स फाइंड आउट हाउ इट्स गोना गो। सी अब यहाँ पर स्लैमिंग जो ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने डाला उसमें गॉडलाइक को दिक्कत हो सकती है, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स इस टाइम 7 सीज के ऊपर स्लैमिंग डालते हुए एक टीम खत्म जरूर से कर दी है, बट अभी भी खतरा टला नहीं है। डेस्ट्रो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जी गॉड के पास भी जा रही, आप पूछ रहे थे कि टीए गॉड लाइक के चिकन डिनर क्यों नहीं आ रहे सेमीफाइनल्स में, ये लीजिए फाइनल्स के लिए चिकन बचा रखे थे। और क्या सेलिब्रेटरी है यहाँ पर, सेलिब्रेशन देखिए आप कितनी जबरदस्त चलती हुई दिखेंगे आपको यहाँ पर पूरे खेमे में, सब खिलाड़ी खुशियों से भरे हुए और क्या जबरदस्त मुकाबला गॉडलाइक के खेमे से। बिल्कुल गॉडलाइक की टीम लगातार यहाँ पे आज की शाम 2